प्रेम हर एक इंसान अपने जिंदगी में एक सच्चे और अच्छे और कायम रहने वाले इंसान उस रिश्ते को अंत तक निभाने वाला इंसान ढूंढता होता है। और दोस्तों, प्रेम सिर्फ एक लड़के और एक लड़की के बीच में ही हो ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ही प्यार हो ऐसा नहीं है। इंसान को, व्यक्ति को, किसी से भी प्यार हो जाता है, किसी पशु से, किसी पक्षी से या किसी जानवर से, किसी से भी। ऐसे कोई लिखा नहीं होता कि प्यार सिर्फ इन दोनों में ही होना चाहिए। प्यार कभी भी होता है, किसी से भी होता है और कौन से समय में भी होता है। उसके लिए कोई समय नहीं, उसके लिए कोई इंसान नहीं और उसके लिए सभी है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे लिए यानी कि श्री कृष्ण जी के लिए सभी जानवर, सभी पशु, सभी पक्षी और सभी इंसान, सभी लोग मेरे लिए समान है। ना कोई ज़्यादा बुरा है और ना ही कोई ज़्यादा प्रिय। सभी लोग, सभी पशु, सभी पक्षी, सभी जानवर और सभी लोग इस दुनिया में है, इस पृथ्वी पे सभी मेरे लिए समान है और उनके लिए मैं प्रिय हूँ और मेरे लिए वो। और दोस्तों, आपको कौन सा भी रिश्ता अंत तक निभाना है और उसे कभी भी तोड़ना नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहली बात जो है उस रिश्ते को कायम निभाने के लिए ना कभी तोड़ना है, ना कभी कुछ करना है, उसको अच्छी तरीके से निभाना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें आपके काबू में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तब आप कौन से भी रिश्ते को आप आसानी से अंत तक निभा सकते हो। उस रिश्ते में जो रिश्ता है उसमें जो इंसान है वो आपसे लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, कुछ बुरा उल्टा सीधा बोलेगा भी नहीं, सिर्फ ये चीज़ें आपके नियंत्रण में होगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, और कौन सी चीज़ पे, अपनी पुस्तक पे, अपनी किताब पे ये सारी चीज़ें लिख लो, और बाद में जब ये सारी चीज़ें आपके नियंत्रण में, आपके काबू में आ जाएगी तो उसे वहाँ से मिटा दो। इस चीज़ों को ऐसे लिख दो, इसे मैंने हासिल कर लिया है, और धीरे धीरे इन चीज़ों को आप जब हासिल करते जाओगे तो आपकी आधी सफलता तो यहाँ पे ही हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो है वो है ज़ुबान। ज़ुबान बहुत बड़े बड़े काम करती है, बहुत बुरा काम चल रहा होता है उसको भी बहुत अच्छा करने की ताकत रखती है, और कौन सा बहुत अच्छा काम चल रहा है तो उसे बिगाड़ने की भी ताकत रखती है। ये ज़ुबान ही सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। दोस्तों ये ज़ुबान बहुत हल्की होती है, पर इसी ज़ुबान ने बोले गए कुछ शब्द, कुछ लोग इसका वज़न उठा नहीं पाते। तो दोस्तों ज़ुबान आपके नियंत्रण में, आपके काबू में आना बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। ये आपके रिश्ते को तोड़ेगी नहीं और हमेशा के लिए अच्छा रखेगी ये ज़ुबान, क्योंकि आप सबके साथ प्रेम से बोलोगे तो सबका दिल और अच्छा होगा, ना कि टूटेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ है जो कि आपके नियंत्रण में, आपके काबू में होनी चाहिए, जो कि है ज़ुबान।
दोस्तों दूसरी चीज है क्रोध। क्रोध क्रोध इंसान को जल्द ही आ जाता है। कौन से इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, मजाक मजाक में बोला हो पर बोल दिया, तो आपको जल्द ही गुस्सा आ जाता है। आप कुछ ना कुछ बोलने लगते हो, या उसके पास से चले जाते हो, या उससे बोलना बंद कर देते हो, या उसको मारते हो या पीटते हो। और दोस्तों इसको छोड़ के आप उस चीज़ को आप पूरे प्रेम से ना क्रोध किए भी तो आप सुलझा सकते हो। इसमें दोनों का सबका नुकसान होता है। पहली बात, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और आप जल्द ही बीमार भी पड़ जाओगे। बार बार ही बीमार पड़ोगे, और क्रोध की वजह से आपका कोई है तो वो भी आप से तंग आके आपको छोड़ के चला जाएगा, सिर्फ ये क्रोध। इसलिए क्रोध के ऊपर नियंत्रण ला, कितनी भी बड़ी चीज़ हो जाए और कितनी भी छोटी चीज़ हो जाए, जल्दी कोई चीज़ नहीं करनी, ध्यान से शांति से चीज़ को सोचना है। इसने क्या बोला, उसने क्या किया, सारी चीज़ों को सोचना है। कभी भी कोई भी इंसान कुछ करे, कुछ मारे या बोले, कुछ भी करे, क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए आप क्रोध जब करना बंद कर दोगे और सबके साथ प्रेम से बोलोगे और प्रेम से व्यवहार करोगे, सबके साथ अच्छे से रहोगे, तो आपका जो रिश्ता है जो कि कायम टिका रहेगा, कभी टूटेगा नहीं और टूटेगा कभी नहीं। और दोस्तों तीसरी और मुश्किल, और जिन इन चीज़ों के ऊपर लोग काबू नहीं पा सकते, ऐसे लोग कहते हैं, पर अपने दिल में ठान लो, अपने दिल में ठान लो कि इसे मुझे हासिल करना ही है, तो वो सिर्फ मन में ठान लो, उस चीज़ को आप जल्दी हासिल करोगे। तो दोस्तों तीसरी और आखिरी चीज़ है जो कि है डर। डर बहुत सारे प्रकार के डर होते हैं, पर इन डरों के ऊपर वही काबू पाता है जो हार नहीं मानता। दोस्तों डर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि छोटे से छोटे बच्चे कौन से कीड़े से डर जाते हैं, और बड़े से बड़े लोग भी कीड़े से डर जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो असफलता से डरती है, ऐसे सोच के कि मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, मैं ये कदम उठाऊंगा, ये करूँगा, तो मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊँगा, पीछे तो नहीं पहुँच जाऊँगा, इसलिए वो कदम उठाते ही नहीं और सिर्फ सोचते रहते हैं। सोचने से नहीं, करने से होता है। और दोस्तों वो वही सोचते रहते हैं, और बाकी के लोग ना हार माने ना डरे, उस असफलता को ही डरा के आगे बढ़ते हैं और सफलता को हासिल करते हैं। और वो लोग दोष देते हैं खुद को, नहीं भगवान को या अपनी ज़िंदगी को, कि मैंने मेरे ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ, उनके ज़िंदगी में नहीं हुआ, सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में क्यों होता है, उनके ज़िंदगी में क्यों नहीं, और ऐसे दोष दे के भगवान को या बहुत अपनी ज़िंदगी को दोष देते हैं। और दोस्तों डर के ऊपर काबू पा लो, पूरी अपने किताबों के ऊपर हर एक डर को लिखो जो आपके अंदर है, उस डर को लिखो और धीरे धीरे उन डरों के ऊपर काबू पा लो। और कौन सी भी चीज़ करते हो तो उस चीज़ को ध्यान से देखो। बहुत सारे लोग हड़बड़ी में और पूरी बल से पूरी ताकत से उस चीज़ को करते हैं और वो कर नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गधे की तरह अपना बल लगाया और हड़बड़ी में उस काम को किया। कौन सा भी काम शांति और अच्छी तरीके से करना चाहिए, और बल से पहले दिमाग चलाना चाहिए। जब आपका दिमाग चलेगा वो चीज़ आसानी से हो जाएगी। वो कौन सा सामान इधर से उधर रखना हो, या कौन सी चीज़ हासिल करना हो, या कौन सी भी चीज़, उसको सबसे पहले समझो, देखो, फिर उस चीज़ को करो। और वो फिर भी नहीं होती तो देखो कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, इसमें क्या दिक्कत है, या मेरी कोई गलती है, कहाँ पे मैं चूक रहा हूँ, ये देखो। और दोस्तों प्रेम आपको, प्रेम तो कभी और किसी से भी हो जाता है, पर
प्रेम सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़के और लड़के में ही हो, इन दोनों के बीच ही हो, किसी से भी और कभी भी और किस समय भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में जितने भी व्यक्ति, जितने भी इंसान, जितने लोग आपके ज़िंदगी में आते हैं, सबका सम्मान करें और सबका अच्छा सोचें। जब आप सबका अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो तो आपको, आपके ये कर्म है, आप सबका अच्छा सोचोगे तो ये आपके अच्छे अच्छा कर्म होगा, और जब अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और जब अच्छा फल मिलेगा तो उसी फल को इस्तेमाल करके आप और आगे बढ़ोगे और अच्छे काम करोगे, फिर फल मिलेगा, और इस तरह आप आगे बढ़ते जाओगे और सफलता की सीढ़ियों चढ़ते जाओगे। इसलिए कभी भी दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि असफलता असफलता हार और दुख सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में है, और बाकी लोग तो सिर्फ हंसते खेलते जीते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिक्कत है तो सिर्फ मुझे, और भगवान सिर्फ दिक्कत मुझे ही देते हैं, दुख मुझे ही देते हैं, और कठिन से कठिन परीक्षा मेरी ही लेते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। पर दोस्तों, ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ, सारी चीज़ें, पर उनका साथ नहीं देता, पर अच्छे लोगों की मैं बहुत कठिन परीक्षा लेता हूँ, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण जी अच्छे लोगों का साथ नहीं छोड़ते, पर बुरे लोगों का साथ छोड़ देते हैं, पर बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं, पर अच्छे लोगों की बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, और उसी कठिन परीक्षा से आपको ताकतवर मजबूत बनाते हैं, और उसी मजबूती का इस्तेमाल आप आगे दुख में कर सकते हो, और उसी दुख से बच के, उससे ना हार माने आप आगे बढ़ते जाओगे और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, और तभी तो आप सफल हो पाओगे। और दोस्तों, जितने भी लोग ऊपर पहुँचे हैं, ऊपर गए हैं, जो कि सफलता को पहले हासिल किए हैं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी आपकी तरह, आप हार मानते हो, पर जो लोग हार मानते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, पर जो लोग हार नहीं मानते वो असफलता उन्हें मिलती है, पर वो लोग हार नहीं मानते। और दोस्तों, सबसे बढ़कर है दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ इस दौलत के लिए, इस पैसे के लिए, जायदाद के लिए, इस पैसे के लिए, इस धन के लिए अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अपने रिश्तेदार या अपने ही घर वाले अपने ही घर में चोरी करके चले जाते हैं, और दोस्तों इस तरह रिश्ते तोड़ देते हैं सिर्फ इस धन के लिए, इस दौलत के लिए। दोस्तों, कभी भी धन के पीछे ना पड़े पीछे तो साथ के, क्योंकि साथ सबसे बढ़कर है, क्योंकि दोस्तों जब साथ मिलेगा तो बल और दिमाग ज़्यादा होगा, और जब बल और दिमाग ज़्यादा होगा तो कमाई ज़्यादा होगी, और कमाई ज़्यादा होगी तो धन दौलत अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। इसलिए कभी भी इंसानियत देखे, ना कि धन दौलत। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ धन दौलत और इसी पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि आपको इस दौलत के पीछे नहीं, आपको अपनी रिश्तों को निभाना है। बहुत सारे लोग रिश्तों को तोड़ के उस धन दौलत के पीछे पड़ते हैं। और दोस्तों आपके ज़िंदगी में कोई भी इंसान हो, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी हो। इसलिए हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की कदर करें, ना कि नफरत, सबसे प्यार करें और सबके साथ प्रेम से बोले। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी जाना, सुना, देखा और सीखा, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारना, और दोस्तों अपने ज़िंदगी में ज़रूर सफल होना।
और दोस्तों, जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों, अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।